पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो क्रिकेट से जुड़े हर मसले पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और उनका यही अंदाज फैंस को काफी पसंद भी आता है। लेकिन इसी बीच उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर किया था, जिसमें अफगानिस्तान के फैंस अपनी टीम के हारने के बाद पाकिस्तानी समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। इस पर उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए अफगान टी20 लीग के फाउंडर को बड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल एशिया कप 2022 के सीजन सभी टीमों के बीच काफी क्लोज मैच देखने को मिले, जिसके चलते फैंस भी अपने जज्बातों को नहीं रोक पाए। इन्हें देखने के बाद किसी का दिल भी पसीज सकता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में इसका उल्टा नजारा देखने को मिला। पहले तो दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर आपस में भिड़ते हुए नजर आए, इसके बाद बची खुची कसर फैंस ने पूरी कर दी। बता दें कि अफगानिस्तान को इस मुकाबले में एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा। उनकी इस हार के बाद अफगान फैंस काफी मायूस थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस जीत का जश्न मनाते हुए चिढ़ा रहे थे। अफगान फैंस को पाकिस्तानी फैंस का यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी पाक फैंस के साथ दुर्व्यवहार करते हुए स्टेडियम की कुर्सी उखाड़कर पीटना शुरू कर दिया। बस इसी वीडियो को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में अफगान टी20 लीग के फाउंडर शफीक सतानिकजई को टैग करते हुए लिखा, अफगान प्रशंसक ये क्या कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अतीत में कई बार किया है। ये एक खेल है और इसे सही भावना से खेला और लिया जाना चाहिए। शफीक सतानिकजई, अगर आप लोग खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अफगान फैंस और खिलाड़ियों दोनों को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। शोएब अख्तर ने समर्थकों को नसीहत देते हुए कहा कि खेल को एक खेल की तरह लेना चाहिए। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए अफगानिस्तान के फैंस और खिलाड़ियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, एक पठान ने दूसरे पठान को फैटी लगा दी। हम एक नेशन के रूप में अफगानिस्तान को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमने हमेशा बुरे वक्त में उनका साथ दिया है, लेकिन ये क्या तरीका है? आप आसिफ अली को आउट करने के बाद धक्का भी मारते हो और बदतमीजी भी करते हो, उसके बाद दूसरा बंदा भी आकर आसिफ को धक्का मारता है। आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, लेकिन बदतमीजी नहीं करो यार। आप धक्के मार रहे हो और गालियां निकाल रहे हो, ठीक है आप गालियां निकालो, जो मन में आए करो, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ने आपको सजा दी और एक पठान को दूसरे पठान ने छक्का मरवा कर जलील किया। यानी कि शोएब अख्तर ने अफगानिस्तानी फैंस को जमकर फटकार लगा दी, साथ ही अफगान टी20 लीग के फाउंडर को तो बड़ी चेतावनी ही दे दी। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।